हेलो फ्रेंड्स, पुष्पा क्रिएशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही प्यारा सा डबल कलर में पैटर्न लेके आई हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन हमारा इस तरीके से दिखाई देता है। ये बुनाई हमारी उभरी उभरी सी दिखाई देती है, जो देखने में बेहद सुंदर दिखाई देती है। इस पैटर्न को आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, कोटी में, जैकेट में, जेंट्स स्वेटर में कहीं भी अप्लाई करिएगा फ्रेंड्स, बन के बहुत ही सुंदर नजर आता है। बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है, तो आइए फ्रेंड देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें फंदों की कोई बाउंडेशन नहीं है, जितने भी चाहे आप फंदे रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 22 फंदे रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप बॉर्डर बना लीजिएगा। बॉर्डर बनाने के बाद दो बेसिक रो हमने बनानी होती है। वो बेसिक रो हमने सिर्फ एक बार बनानी है जब हम डिजाइन को स्टार्ट करेंगे, आगे ये दो बेसिक रो हमारी रिपीट नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। ये हमारी पहली बेसिक रो है। पहले फंदे को नेट वाइज स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। यानी पूरी रो को हमने ऐसी बुनना है, एक सीधा और एक उल्टा। एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। यहाँ पे हमारी पहली बेसिक रो बनके कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारी सेकंड बेसिक रो है। पहले फंदे को पर्लवाइज स्लिप करेंगे और सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। यहाँ पे हमारी सेकंड बेसिक रो बनके कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स, ये जो बेसिक रो हमने बनानी है बॉर्डर वाले ही कलर से बनानी है। यहाँ पे दो बेसिक रो बनके हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने कलर चेंज करना है, यानी कि सेकंड कलर को लगाएंगे। अब यहाँ से डिजाइन हमारा शुरू हो रहा है, तो स्टार्ट करते हैं डिजाइन की फर्स्ट रो सीधी साइड। पहले फंदे को सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। फ्रेंड, ध्यान ये रखिएगा, जो हमने फर्स्ट बेसिक रो बनाई थी उसमें जो फंदा हमने सीधा बुना था, सीधे के ऊपर हमारा सीधा फंदा आएगा, धागा अपनी तरफ लाएंगे, और उल्टे के ऊपर हमारा उल्टा फंदा आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। इस तरीके से बुनते हुए हमने रो को कम्प्लीट करना है। एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और लास्ट का फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे डिजाइन की फर्स्ट रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिजाइन की सेकेंड रो है। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये लास्ट में हमारा सीधा फंदा है, इसको नेट वाइज स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे। ये हमारा उल्टा फंदा है, इसको हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारा सीधा फंदा है, इसको हम ऐसे नहीं बुनेंगे। फंदे के नीचे जो होल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम सिलाई को डालेंगे और इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। बस सीधे फंदे पे आपने ध्यान देना है, धागा अपनी तरफ लाएंगे। उल्टे फंदे को हम उसी तरीके से बुनेंगे जैसे कि हम नॉर्मली बुनते हैं। अब ये सीधा फंदा है, फंदे के नीचे से हमने सिलाई को डालना है और इस तरीके से हम सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे, फंदे के नीचे हम सिलाई को डालेंगे और ऐसे हम सीधा बुन लेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे, फंदे के नीचे जो होल है इसमें हम सिलाई को डालेंगे और ऐसे हम सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करके फंदे के नीचे हमने सिलाई को डालना है और ऐसे हम सीधा बुन लेंगे। अब देखिएगा फ्रेंड, जो सीधा फंदा है, फंदे के नीचे जो होल है इसमें हम सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से हम सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे। ये जो सीधा फंदा है, सीधे फंदे के नीचे हमने सिलाई को डालना है और इस तरीके से हम सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे डिजाइन की सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट होती है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारे डिजाइन की थर्ड रो है। पहले फंदे को सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे,
धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और लास्ट के फंदे को हम उल्टा बुन देंगे। यहाँ पे डिजाइन की थर्ड रो बनके हमारी कंप्लीट होती है। अब आते हैं बैक साइड में, ये हमारे डिजाइन की फोर्थ रो है। यहाँ पे सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। पूरी रो को उल्टा बुनते हुए हमें कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे डिजाइन की फोर्थ रो बनके हमारी कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चार लाइनें बनके हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके साथ ही डिजाइन भी बनके हमारा ओवर हो गया है। आगे आपने फिर से कलर चेंज करना है, फिर से आपने फर्स्ट कलर को लाना है और चार लाइनें आपने इसी तरीके से बनानी है। यहाँ पे डिजाइन की पहली सिलाई को मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे। यहाँ पे हम फर्स्ट रो को फिर से रिपीट कर रहे हैं। एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। यानी पूरी रो को हमने ऐसी बनाना है। एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने फर्स्ट रो को फिर से रिपीट किया है। यहाँ पे मैंने एक लाइन बना ली है। आगे आपने तीन लाइनें और बनानी है फर्स्ट कलर से। स्टार्टिंग की जो बेसिक रो थी दो लाइनों को छोड़ के आगे आपने इन्हीं चार लाइनों को बार बार दोहराते जाना है। चार लाइन के बाद आप कलर चेंज करते जाइएगा। जब आप इन चार लाइनों को बार बार दोहराते जाएंगे तो डिजाइन बन के कुछ इस तरह नजर आएगा। बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान सा पैटर्न है। देखिएगा फ्रेंड, ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड है। देखिएगा फ्रेंड कितना आसान और कितना सुंदर सा पैटर्न है। आप भी अपने मन चाहे कलर लेकर के इस पैटर्न को बना सकते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आज का पैटर्न आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।